करछना प्रयागराज भीरपुर चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा पिपराव पोस्ट घोडेडी ग्राम भिटार में प्रेमचंद भारतीय के खिलाफ में भिटार गांव में आक्रोशित ग्राम वासियों की सैकड़ों की तादाद में ग्राम प्रधान को घेराव किया और अपनी मांगों पर खड़े रहे ग्राम प्रधान ने कहा कि भिटार गांव हमारे ग्राम सभा में नहीं आता। ग्राम वासियों को आग बगुला हो गए और चक्का जाम करने की बात करने लगे। इसकी सूचना जैसे ही चौकी प्रभारी योगेश सिंह को हुआ, वह अपने हमराहियों के साथ भिटार गांव पहुंचे और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। गांव वासियों का कहना था कि हमारे गांव में पैदल चलना मुश्किल है क्योंकि सड़कों की कीमत 5 सालों में कभी भी नहीं कराया गया और ना तो नाली बनाई गई है और ना ही सड़कें आए दिन ग्राम वासियों को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर है और ना तो शौचालय बनाया गया है और ना तो कोई कॉलोनी दी गई है। कुछ गरीब लोग कच्चे घरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्राम वासियों ने कहा कि जल्द ही उचित कार्यवाही नहीं किया गया तो हम प्रधान की जांच करवाएंगे। कृपा शंकर, कमलेश, लाल प्रताप, राकेश सी, शिवशंकर सी, सुरेश, इंद्रजीत, कमलेश, मनोज, जवाहिर, मूलचंद गुप्ता, मोतीलाल, लवकुश, अशोक, अवदेश, ओम प्रकाश, हरिलाल, प्रदीप यादव, ब्रिज मंगल, अरविंद लल्लन यादव, अनिल, मुकेश, राम, नरेश, उमा शंकर, सैकड़ों की संख्या में समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। रमेश कहाँ से बोल रहे हैं? भिटार से। क्या दिक्कत है आपको? घर दिक्कत हो, घर कॉलोनी नहीं मिली है, रास्ता हो, ये सब लाइटिंग नहीं। जोर से बोला, आपको कुछ नहीं मिला हुआ है? कुछ नहीं। प्रधान जी क्या बोलते हैं? नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी से अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं, हम इनके जगह बोल रहे हैं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं, अभी मिल के आ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं भिटार गांव हमारे ग्राम सभा में आता ही नहीं है। हाँ। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि डीएम ने आदेश दिया है कि कोई भी काम नहीं होगा। हाँ। और क्या नाम से सरकारी इतनी सारी योजनाएं आई हुई है लेकिन भिटार गांव में प्रधान जी ने एक सिंगल काम नहीं करवाया है। यहां की 80% जो आबादी है जिस रास्ते जाती है, अभी आप चल के देख लीजिए, वहां जीवन का आवागमन एकदम नरक है, नरक के बराबर है। आप समझे, हल्का हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आते हैं तो गाली दे के जाते हैं कि कैसा गांव, हर एक घर पे मकान है लेकिन कोई भी काम नहीं। उसके पास 3-4 दलाल है और सुबह 6 से शाम को 6 बजे दारू पी के पूरा 5 साल यही किया है। आप चलिए, हम दिखाते हैं हमारे गांव की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? जसवंत यादव। कहाँ से बोल रहे हैं? भिटार। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, रास्ता के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं मिला है और ग्राम प्रधान से कहा जाता है तो बोलता है कि भिटार गांव जो है हमारे ग्राम सभा में नहीं है और ना के ग्राम सभा में और ना तो यहाँ लैटरिन कोई मिली है, ना तो कॉलोनी मिली है। आप प्रधान को वोट दिए थे? मैं प्रधान को वोट पूरा गांव दिया था। वो पूरा गांव दिया था प्रधान को, एक में पूरा गांव दिया था और वो ज़्यादातर वोट यहीं से पाए थे। लेकिन क्या है कि वो उनके 2-3 चमचे लग गए हैं जो उनको शाम को 6 बजे दारू पिला देते हैं और कोई भी भिटार गांव में आज तक कोई भी 5 साल हो गए होने वाला है, कोई भी सुविधा उनको नहीं मिली है। आप देखिए, कंप्लेन की किसी पर? कंप्लेन हम लोग 2-3 बार उनसे पर्सनली मिल चुके हैं, आज भी मिलने गए थे रिक्वेस्ट करने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि डीएम, अभी हम पर्सनली मिलने गए थे, उन्होंने ये बोला कि डीएम का आदेश है कोई काम नहीं होगा, ये बोला डीएम का आदेश है कोई काम नहीं भिटार गाँव में। और दूसरा ये है कि कल हमसे स्कूल में कोई काम, आप देख लीजिए हमारे यहाँ की 80% आबादी इससे जाती, इसी रास्ते से जाती है। अगर हमारे गाँव में कोई बहन बिटिया बीमार हो जाए, कोई बच्चे बीमार हो जाए, स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे? उस प्रधान को कोई पड़ी ही नहीं है। ग्राम सभा कौन सा लगता है? हमारा गांव भिटार है, ग्राम सभा पिपराव है। रिपोर्ट बाय उमेश चंद्र, सोनी समाचार, इंडिया न्यूज़।